ओ मिलू संसार को अट आवन जावन की रीत। अरे ऐसी करनी कर चलो ये थारा दुनिया गावे गी। ओ मिलो संसार को, ओ मिलो संसार को अठ आवन जावन की रीत। कोई अमरे क्या अपने से? नहीं, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप सब लोग भी यहां से गमन करेंगे। ओ मिलो संसार को अठ आवन जावन की रीत, अरे ऐसी करनी कर चलो रे थारा दुनिया गावे गीत। गीत बातों से नहीं गवे जे साहब, गीत उसके गाए जाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ किया हो। 1000 साल बीत गया आज, 1000 साल, फिर भी हम तेजाजी महाराज को याद करते हैं। तेजाजी महाराज की दिव्य भक्ति संध्याओं का आयोजन करते हैं। तेजाजी महाराज की घर घर में हर रोज बाप जी की आरतियां होती है, उनको हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। बात यह नहीं है कि याद करते हैं, बात यह कि याद क्यों करते हैं, क्या कारण है तेजाजी महाराज को आज हम 1000 साल बाद में याद करेंगे। हम तो क्या साहब, हमारे आने वाली 7 पीढ़ियां और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, तेजाजी महाराज को दुनिया याद करेगी। पर किस कारण से कर रही है ये बात समझने की है। तेजाजी महाराज को जन्म विक्रम संवत 1130 मां सुदी 1400 दिन सजनों खरनाल गांव में हुई हो। तेजाजी महाराज के पिताजी को नाम ताहरजी धोड़िया, माताजी को नाम राम कुमारी। तेजाजी महाराज की शादी बचपन में हो गई पुष्कर में। आप भजन में गावा ना, हे मारा तेजो जी परणी जा पीला पोतड़ा। पीला पोतड़ा में तेजाजी महाराज की शादी कट हुई, पुष्कर में हुई। अब आप बोल रहे हो पुष्कर में कैसे हुई, उनका ससुराल तो कौन सा था, पनेर था। तो तेजाजी महाराज ने पुष्कर में शादी कैसे करी साहब? तेजाजी महाराज धोड़िया जाट जाट समाज से आते थे और जाट समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि, खेती करना। और आप सबको बताया कि सबसे बड़ा कृषि मेला कहां लगता है, पुष्कर में। सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है वहां पर। इनके पिताजी ताहरजी धोड़िया, इनका पूरा परिवार, इनका पूरा कुनबा वो मेला देखने के लिए आए थे। और पनेर गांव के जांजर नाम के जांजर गोत्रीय जाट रायमल जी मुथा, मुथा उनकी गोत नहीं थी, जाटों में मुथा गोत नहीं होती है। मुथा क्या थी, एक पदवी थी उनकी, पदवी नगर सेठ थे वो, इनको क्या कहते थे, मुथा। तेजाजी महाराज के ससुराल वाले कौन थे, जांजर जाट, और खुद कौन थे, धोड़िया जाट। जैसे आपका परिवार वो बोड़ा जाट है वैसे। तो तेजाजी महाराज 6 महीने की अवस्था में थे। तो तेजाजी महाराज के ससुर जी जिनका नाम था रायमल जी, उनकी और तेजाजी महाराज के बड़े पिताजी की दोस्ती हो गई थी, कहां पर, पुष्कर मेले में। तो तेजाजी महाराज के बड़े पिताजी से निवेदन किया रायमल जी ने, बोले रायमल जी, बोले बक्सो जी, मैं अपनी इस बच्ची को आपके परिवार में देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला, भाई मारे तो सब टाबर मोटा है, बड़ा हो गया, सबकी शादी कर रखी है, पंडित धीरे चला, लेकिन मेरे छोटा भाई ताहर जी का बेटा है तेजपाल, जिनमें प्यारू तेजो के वहां तेजाजी हाल कमा रहा है, मेरी बना दो। तो मात्र 6 महीने की अवस्था में तेजाजी महाराज और पत्नी को नाम कहीं सती पेमल। तो मात्र 6 महीने की अवस्था में तेजाजी महाराज को विवाह कट हुई हो पुष्कर में। सजनों, होने को कुछ और मंजूर था। तेजाजी महाराज के मामी सुसरा ने कुछ चुपते बोल बोल दिए थे तेजाजी महाराज के पिताजी को। तो तेजाजी महाराज के पिताजी ताहर जी ने निकाली अपनी तलवार और उस मामा का वही शीश कलम कर दिया, उसे वहां खत्म कर दिया। तो तेजाजी महाराज की सासू जिनका नाम था बोदल दे, उसने प्रण लिया कि मैं मारे भाई रे हत्यारा रे घरे मैं मारी बेटी ने कोनी भेजू, मैं नहीं भेजूंगी। दोनों खानदानों में दुश्मनी साफ, शादी हो गई, लेकिन तेजाजी महाराज आपके घर है और मां सती पेमल आपके घर है। 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा 30 वर्ष बीत गया, 30 साल हो गया, तेजाजी महाराज जो जवान हो गया, अठिने मां सती पेमल भी बड़ी होगी, लेकिन दोनों आपके गांव। एक समय की बात, तेजाजी महाराज के 5 भाई रूप जी, रण जी, गण जी, महेश जी, नग जी, और सबसे बड़े बड़े भाई की बीवी का नाम था केली, केली नाम की भोजाई। मां तेजाजी महाराज के भातों लेट जावे खेत में, थोड़ी मोड़ी हो जावे, लेट हो जावे, तो तेजाजी महाराज के मन लग गया कि भाभी साहब भातों मोड़ो क्यों लाया। तो तेजाजी महाराज की भाभी ने क्या बोला, अरे मन पीशो मन पोयो कवर तेजारे, ओ मन पोयो कवर तेजारे।
मन को तो रांधुरी खाटो खीचड़ो, मन पीछो मन पोयो कमर तेजा रे, मन को तो रांझो खीचड़ो। और नैना ने रू तो छोड़ाई में लेट होगी मोड़ी होगी। बोले भाभी साहब बात तो ठीक है, लेकिन मार तो भूखा मरता को कार जो चुट्टी जे जाट को बैठो हूँ खेत में हड़ियो चलार में कृषि करूँ। तब भाभी ने चुपता बोल बोल दिया, बोले देवर जी अगर गरम गरम रोटियां खानी है, अगर गरम गरम फलका जीमना है तो मुझ पर जोर चलाने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम्हारे ससुराल में बेटी है 30 वर्ष की जो जवान आपकी पत्नी पेमल, उसको घर पे लेकर आ जाओ, उसके हाथ के फलके जीम लो। मेरा तो यही समय है, मैं तो इसी समय आऊंगी। तेजाजी महाराज को तब पता चला कि मेरी शादी हो रखी है, कोई पेमल नाम की मेरी धर्म पत्नी है जो कहां रहती है, पनीर गांव में रहती है। आए घर पर, रवाना हो गए सब अपनी लीलन घोड़ी को श्रृंगार करके। तब जोशी दौड़ी दौड़ी बोले तेजाजी महाराज पतड़ा में मोरत चोको कोनी, मोरत सही नहीं है, आपकी साक्षात मृत्यु दिख रही है, आपकी दौड़ी देवली दिख रही है। तब तेजाजी महाराज ने क्या बोला कि सूर ना देखे टीपणो और सुगण गिने नहीं सूर, सूर रे मरबा ने मंगल गिनू पर मारे मुख पे चल रहे हो नूर। मैं मरने से नहीं डरता महाराज, और सूरवीर कभी मुहूर्त की चिंता नहीं करते। जाट का बेटा रवाना हो जावे साहब बाजारे आपके ससुराल में। शाम का समय था, तेजाजी महाराज की वही सासू क्या नाम बोदल दे, वो गाय भैंसे की दुआरी थी, गाय को दूध निकलाई, जे एक घोड़ी देखी तो वो गाया भैंसा चमक गई। तो तेजाजी महाराज की सासू ने क्या बोला जाने अनजाने में, बोले रे किन्ने काड़ो नाग खायो जो मारी गाया भैंसा चमका दी। ये शब्द सुनते ही तेजाजी महाराज को गुस्सा आ गया, अरे भाई मैं 30 साल के बाद मेरे ससुराल आया हूँ और मेरी सासू ने मुझे बोला कि किन्ने काड़ो नाग खायो। तेजाजी महाराज उसी समय वहां से रवाना हो गए। उसी गांव में उस पेमल की एक सहेली थी जिसका नाम था लाछा गुजरी, गुजर जाति की बेटी, जिसके पति का नाम था नंदूजी गुजर, ढाणी का नाम था रंगबाड़ी, जो कि पनेर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बोली हे जीजाजी हे पावणा, 30 साल बाद में आप मेरी सहेली को लेने आयो, यू मत जाओ, मैं मारी सहेली ने मारे घर सुविधा करूली, सीख देली, मैं समझाऊ ली। तो तेजाजी महाराज भी की बात मान जावे और बीरे लाछा गुजरी रे और नंदू जी गुजर के घरे आ जावे। उसी रात उस लाछा गुजरी की गायें कुछ चोर लुटेरे लेकर के चले गए। तेजाजी महाराज के हाथ में तलवार और भला देखा था उसने गुजरी ने, तो वो तो उसको पता था कि हो ना हो कि मेरा जीजा कोई शूरवीर है, कोई योद्धा है। तो रात्रि के समय दौड़ी दौड़ी आई, बोले जीजाजी हे तेजाजी महाराज मेरी गायों की रक्षा करो, आपके हाथ में भाला देखा मैंने, आपके हाथ में तलवार देखी है, हे शूरवीर मेरी गायों की रक्षा करो, मेरी गायों की मार चलो, मेरी गायें लुटेरे लेके गए। उस समय साहब तेजाजी महाराज एक अकेला जाट के बेटा रवाना हो गया काली अंधेरी रात में अपनी घोड़ी पर बैठ करके। रस्ते में जलतो काड़ो नाग दिखे, बिने भाला की अणिसू बारे फेंक देवे। तो नाग देवता क्रोधित होके बोले रे सूरा तूने मुझे बचाया कैसे, मैं तुझे डसूंगा बदला लूंगा। तो तेजाजी महाराज अचरज में पड़ जावे, बोले मनुष्य की तो एक प्रवृत्ति होती है कि जीव दया, मैंने तो नाग देवता के क्या किया प्राण बचाया और नाग देवता उल्टा मैंने बोले कि मैं तने दसूं। तो तेजाजी महाराज हाथ जोड़ के बोले कि नागदेव इस जाट के बेटे से कौन सी गलती हो गई, मैंने तो आपके प्राण बचाए और आप मुझे कह रहे हो मैं आपको दसूंगा। तब नाग देवता ने बोला कि हे शूरवीर मनुष्य को बचाना जीव जंतु की सेवा करना ये तुम्हारा धर्म है, लेकिन तूने अनजाने में अधर्म कर दिया है। बोले महाराज कैसे, बोला कि मेरी 100 वर्ष की उम्र थी मैंने मेरी उम्र पाली। अरे सूरवीर धरती पर पेड़ रगड़ के चलना बड़ा मुश्किल होता है, 100 वर्ष की मेरी आयु थी मैंने जी ली और मैं खुद जानबूझकर इस अग्नि में प्रवेश हुआ था, मैं मेरे शरीर को मुक्ति दे रहा था, लेकिन मेरी काया के क्या लगा दिया तूने, दाग लगा दिया। सूरवीर मैं तुझे डसूंगा मैं बदला लूंगा। तो तेजाजी महाराज ने भूल स्वीकार करी, बोले महाराज अनजाने में गलती से मेरे से ये भूल हुई है, पर मुझे कुछ वक्त दो। वक्त क्यों मांगा, गायों की रक्षा के लिए। बोले महाराज इस धरती और आसमान को और इस खेजड़ी को मैं साक्षी मान के आपको वचन देता हूं, ये जाट का बेटा धोड़िया जाट है, कि मैं पहले गायों की रक्षा करूंगा तत्पश्चात आपकी बंबी पर आऊंगा, तब आप मुझे दस लेना। तेजाजी महाराज आदेश लेकर के गए साहब, एक अकेला जाट का बेटा 149 डाकों से बिड़ जावे, तलवारा भाला चाले सजनों, तेजाजी महाराज की काया जगह जगह शु घायल हो जावे।
पूरी गया लाछा भाई ने संभाले। लाछा भाई बोले तेजाजी महाराज मारो एक काणो केलडो बाकी रह गयो। तो तेजाजी महाराज वापिस गए। उस समय सजनों उन दुष्टों ने घात लगा के बैठे थे, उनको पता था कि ये वीर एक वापिस इस केड़ को या इन बछड़े को लेने के लिए आएंगे। तो उन्होंने सबने धावा बोला, हमला बोला, तेजाजी महाराज की पूरी काया जगह जगह से घायल कर दी, पूरे शरीर को छलनी कर दिया सब शस्त्रों से बालों से उन्होंने। लेकिन फिर भी वीर नहीं हारा, उन सबका श्रृंगार किया, लाछा भाई को बछड़ा देकर के नाग की बंबी पर आए। अब देखना साहब नाग की बंबी आप पर तेजाजी महाराज क्या कहते हैं नाग देवता को। अरे सूता नागी राजा वो ए थाने तो बुलावे बेटो जाट को। एड़ा कहीं सूता सूता नाग राजा वो थाने तो बुलावे बेटो जाट को। नाग देवता बाहर आए और क्या बोला, अरे धन्य है तेजाजी, धन्य है सूरवीर, इस कलयुग में भी तुमने सच्चा वचन निभाया है। आदमी चाहता तो अपने प्राण बचा सकता था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम स्वयं आज मृत्यु के सामने काल के सामने आए हो। हे तेजाजी महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, आपने गायों की रक्षा करी है, जाओ मैं आपको प्राण दान देता हूं। सुनना मेरे भाई, 5 मिनट की बात खत्म कर रहा हूं। बोले तेजाजी चले जाओ, मैं आपको जीवन दान देता हूं, मैं आपको नहीं रसूंगा। अगर तेजाजी महाराज चाहते उस समय अपने प्राण बचा सकते थे, अगर तेजाजी महाराज चाहते तो अपना जीवन बचा सकते थे, लेकिन तेजाजी महाराज ने बोला नहीं नाग देवता, अगर आज आप मुझे नहीं डसोगे तो युगों युगों तक मेरी जाट जाति पर मेरे धुड़िया कुल पर दाग लग जाएगा साहब, कि जाटों का बेटा तो उसने वचन नहीं निभाया। हे नागदेव मुझे वचन चूक मत करो और मुझे डसो। तब नाग देवता ने बहाना बनाया नहीं डसने का, क्या बोले, हे खूना सू थारी लतपत काया और इकट्ठे कवारी काया जी निकट्ठे तो मारू रे विसरो डंकड़ो। अरे सूरवीर थारी पूरी काया जगह जगह से छल रही ओड़ी, अरे वो जगह बता जहां मैं डंक मार सकूं। बहाना बना रहे, बोले कि मैं तो नाग हूं, तेरे पूरे शरीर में तो शस्त्र लगा हुआ भाला लगा हुआ है, मैं तुझे नहीं डसूंगा। तब तेजाजी महाराज ने क्या बोला, ओ मारी जी बड़ली पे डंग। आप सबको पता साहब जब शस्त्र भाले चलते हैं ना तो शरीर भले ही छलनी हो जाता है, ये जबान तो अंदर रहती है ना, इसमें कोई शस्त्र नहीं लगता है। क्या बोले, ओ मारी जी बड़ली पे डंग, जी बड़ली पे डंग, अरे भरूनी नाग राजा वो, और या मारी हथेली में मारू विष को डंकड़ो। या तो मेरी जबान डस लो या फिर मेरी हथेली कंवारी है, या कोई शस्त्र भाला नहीं लगा या डस लो। तो सजनो तेजाजी महाराज को नाग देवता ने बोला, रे धन्य है रे जाटन का जाया, धन्य है जाटन एड़ो सूरवीर जायो। हे नागोरी सुरा जब तक कायना रेवली दुनिया थरो नाम अमर करेला, गांव गांव ढणी ढणी आपरी देवड़िया लगेली दुनिया आपने पूजेला, और जिन गांव में आपरी प्रतिमा वेला आपरी सेवना वेली पूरा गांव में धन धन रेवला बरसात का खूब ठाट रेवला। ये कहता था कहां तेजाजी महाराज को विक्रम संवत 1160 30 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे नाग देवता भाला भाला चले, तेजाजी महाराज की जवान को डसा और सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज गायों के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों के लिए कुर्बान हो गए। गायों के लिए धर्म की रक्षा तो अपने तेजाजी महाराज ने बलिदान दे दिया था, इसीलिए आज हम ऐसे वीर की महिमा का बखान करते। इसीलिए कहा है कि ओ मेड़ो संसार को अठे आवन जावन की रीत, अरे ऐसी करनी कर चलो रे थारा दुनिया गावे गीत। इसीलिए आज हम तेजाजी महाराज के यहाँ भजन गा रहे हैं, उनके गीत उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं।